गाइज यार पता नहीं शिनचैन और चॉप कहाँ पर चले गए। मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, ना वो लोग घर के अंदर है, ना नीचे और ना ही पूल में। पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, हम लोग यहाँ पर है। कहाँ पर? गाइज यार आवाज तो अंदर से आई थी, पर अंदर तो कोई भी नहीं है। अरे अंदर नहीं, यहाँ ऊपर। कहाँ ऊपर? मेरे ऊपर तो छत है। अरे जरा आगे आके देखो। अच्छा ठीक है, रुक आता हूँ। गाइज यार जल्दी जल्दी देखते है। ना यार यहाँ से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे आप ऊपर आओगे तो दिखाई देगा ना। अच्छा ठीक है, रुक आता हूँ। जल्दी जल्दी चढ़ के देखते हैं। यार इन दोनों के दिमाग में क्या चलता है ना, मुझे कुछ नहीं पता। ओहो भाई साहब, वो रहे गाइस, ये लोग तो यहाँ पर लेटे पड़े। अबे तुम दोनों का दिमाग खराब नहीं हो गया है? ये कोई जगह है आराम करने की? घर का कोई और कोना नहीं मिला तुम दोनों को? अरे फ्रैंकलिन भैया, आज हमारा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि हम लोग छत के ऊपर सनबात ले। अच्छा ये सनबात लेने की जगह है? एक काम करना, कल खाना भी यहीं पर आके खा लेना। अरे हाँ अच्छा आइडिया है, आपका क्या दिमाग चलता है? चुपचाप उठो यहाँ से, वरना अभी के अभी तुम दोनों का दिमाग निकाल दूंगा। सनबात लेनी है, जो मन में आता है कर देते हो ना, अगर ऊपर चढ़ते टाइम लग गई तो। चलो चुपचाप मेरे पीछे। अरे क्या यार हमेशा ही सड़े रहते हो, तू चल रहा है कि नहीं? हाँ नहीं तो। ओ भाई साहब क्या गिरा यार ये स्पाइडरमैन, यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे हवा में तैर रहा था क्या, ऐसा कैसे गिर गया? अरे वो मैं स्विंग कर रहा था पर बीच में मेरी वेब टूट गई, इसलिए मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। तो तुम जा कहाँ पर रहे थे? वैसे तो मैं यही पर आ रहा था। क्यों, कुछ काम है क्या? अरे क्या यार फ्रैंकलिन भैया, कितने भोंदू जी से सवाल पूछा है, इनको कुछ काम होगा तभी तो यहाँ पर आए हैं ना। अच्छा बाबा ठीक, तू होशियार और मैं भोंदू, बस अब स्पाइडरमैन को बोलने देगा? अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, पर ये बात जैसे मेरे दुश्मनों को पता लगेगी वो लोग शहर में अटैक कर देंगे, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप के जा रहा हूँ। अरे पर मैं कैसे? मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा, ये लो। क्या ये कोई सूट है? ऐसा लग रहा किसी ने मुझे हुडी पहना दी है। स्पाइडरमैन कम चोर ज्यादा लग रहा हूँ, तुम इसे अपग्रेड कर सकते हो। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मत बता। गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं, इन लोगों का रोज का हो गया, जब भी मन हो मेरे को काम दे के चले जाओ। इनको पता है कि फ्रैंकलिन तो कर ही लेगा, ना बोलेगा नहीं। मुझे है ना इनको ना बोलना चालू करना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा ये लोग मेरे सर पर चढ़ के नाचेंगे। फिलहाल तो नाच ही रहे, तो सोचते गाइस कैसे पैसे जमा करे। एक मिनट, वहाँ भीड़ क्यों लगी है? एक बंदा स्टैचू बना हुआ है और लोग उसकी फोटो खींच रहे। गाइस यार ये लोग तो इसको पैसे भी दे रहे, ये बंदा तो खड़े खड़े कमा रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, मैं भी स्टैचू बन जाता हूँ, क्या पता मुझे भी पैसा मिले। एकदम सेम करेंगे डिट्टो, $1 किसी से $5, थोड़े थोड़े पैसे आ रहे गाइस। पर आपको सच बताऊँ मैं तो इतने पैसे बिल्कुल भी काफी नहीं है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से निकलने में भलाई है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक मिनट यार, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? यह इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? जल्दी से जाके देखते आखिर में मांजरा क्या है भाई। अबे वहाँ तो वैनम है और वो फ्लैक्स कर रहा है, मतलब की होशियारी मार रहा है। पक्का वहाँ कुछ तो होने वाला है और मुझे जानना है, क्योंकि अगर ये बात पैसे से रिलेटेड है तो हमारे बहुत काम आएगी। ओ भाई आउच यार, मैं भूल गया मैं असली स्पाइडरमैन नहीं बना अब तक। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। एक काम करता हूँ, इससे पूछता हूँ। अरे भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एक फाइट कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो भी वैनम को हराएगा उसे पैसे मिलेंगे। ओके तो गाइज ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता, तो मैं उतर रहा हूँ रिंग में। बेटा आ जा। अबे स्पाइडरमैन की थर्ड कॉपी, तुझे क्या लगता है तू मुझे हराएगा? देख बॉडी होने से कुछ नहीं होता, आज तुझे पता चल जाएगा, आजा। और ये ले गाइस, इसका हाथ तो अपने ऊपर से निकल रहा है। ओ आउच, ये तुझे भारी पड़ेगा मेरे दोस्त, ये ले। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। काश के होता। ओ ओ, 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 ओ यार कोई बात नहीं गाइस, अगर मुझे लगी है तो इसे भी लगी है, अब ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। तेरी तो मैं, अबे यार रुक तो सही, मुझे भी मारने दे। आहा क्या डॉज किया यार, अब बताते इसको ये और अब ये कहा। गाइस यार मुझे जल्दी से सूट लेना होगा, ये बहुत कार्टून जैसा दिख रहा है यार, मुझे शर्म आ रही है। और इसी के साथ गाइस मैंने वेनम को हरा दिया है, और जरा देखे तो सही हमें कितना इनाम मिला है, $10,000, और पहले के तो सारे मिला के $10 ही हुए थे, तो वो किसी काम के नहीं है। एक मिनट यार ये सायरन की आवाज कैसी? गाइस या तो पुलिस की गाड़ी आ रही है, अब क्या हो गया यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पुलिस की गाड़ी देखते सब लोग क्या भागने लगे। कहा गया वेनम वो जेल से भागा था, मैं उसे पकड़ने आया हूँ। बच्चे यहाँ से भाग जा वरना तुझे भी गिरफ्तार कर लूंगा, चल निकल यहाँ से। ठीक है गाइस, यार देखा आप लोगों ने, इसे भी पता नहीं चला कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। स्पाइडरमैन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मैं पकड़ा गया हूँ। गाइस यार जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, जो 10,000 हमें मिले ना उसे नया सूट लेते हैं, पहले तो ये चोर वाला गेटअप बदले, देखते मार्केट में क्या है। और बूम, चलो अब जाके लग रहे स्पाइडरमैन। गाइस ये तो क्लासिक कॉमिक वाला स्पाइडरमैन है, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि हम लोग और पैसा कैसे कमा सकते हैं। एक मिनट यार, ये किस चीज का पोस्टर लगा है? लॉस सेंटोस में एक रैम चैलेंज होने वाला है और उस पर इनाम है पूरा
लाख डॉलर। गाइस यार मुझे जल्दी जल्दी वहां पर जाना होगा, अगर हमने वो रैंप कर लिया तो हमें बहुत अच्छा सूट मिल जाएगा क्योंकि एक लाख का इनाम है। एक मिनट यार गाइस, मेरे सिक्स सेंस बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे हल्की हल्की आवाजें भी आ रही है, और आवाज आ रही है इस साइड से। ओहो भाई साहब ये क्या, यहाँ तो कोई फंसा हुआ है। अरे कोई मुझे बचाओ रे, नहीं तो मैं मर जाएगा। वहीं पर रुको दोस्त, मैं आ रहा हूँ। गाइस यार इसे बचाना होगा, टाइट पकड़ के रखना, मैं तुम्हें सेफ जगह पर लेके जाता हूँ। बेचारा कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था गाइस। चलो कम से कम मैंने इसकी जान तो बचाई। एक काम करता हूँ, मेज बैंक पर छोड़ देता हूँ, यही मेरे सबसे नजदीक है क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है। ये यहाँ से खुद नीचे उतर के चला जाएगा। चलो भाई साहब अब आप सेफ हो। गाइस यार इसे बचाने के हमें $25,000 मिले, क्या बात है। चलो अब चलते हैं वापस रैंप की तरफ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। एक मिनट यार, फिर से सिक्स सेंस। गाइस फिर से कोई तो खतरे में है और हमारा काम है मदद करना। वो क्या है वहाँ पर, एक छोटे से बच्चे को इतनी सारी मकड़ियाँ परेशान कर रही है, हमें उसे बचाना होगा। जल्दी जल्दी जाते हैं नीचे। एक तो आजकल शहर में ये मकड़ियाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पता नहीं कहाँ से फैली है पर कहीं से तो आई है। हमें ये सारी चीजें बंद करनी होगी, फिलहाल तो इन सबको ठिकाने लगाते हैं। ओह यहाँ तो ढेर सारी है यार, यहाँ पर आओ ये लो। $2,000, क्या बात है, इनको मारने के पैसे मिल रहे हैं गाइस। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, एक एक करके मारेंगे। किसी का $1,000 मिल रहा है, तो किसी के 2,000, तो किसी के 3,000, तो किसी किसी का तो खाली $500 ही मिल रहा है, और हमारे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो रहे हैं। ये ले और ये ले, क्या फैला है जाला, और ये मैं आया। स्विंग करने का अलग ही मजा है, ये वाला अटैक मुझे पसंद आया। तीन चार जन एक साथ निपट लेते हैं। चलो 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 बच्चों, कहाँ घूम रहे हो, ये कोई घूमने की जगह है। हाँ वैसे है तो सही, गार्डन ही है, पर तुम्हारे घूमने की जगह नहीं है, बच्चे को परेशान कर रहे हो। चलो चलो चिपक जाओ सब लोग यहीं पर। अबे यार तू कहाँ छुप के बैठा था, ये ले, पेड़ से टकराया सीधा। गाइस इन सबको मारने के हमें $25,000 और मिले। चलो अब बच्चे से पूछते वो ठीक है या नहीं, और सब ठीक है ना, लगी वगी तो नहीं कहीं पर। अरे नहीं स्पाइडरमैन, तुम्हारा बहुत बहुत तुक लिया, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। गाइस अब चलते हैं, वैसे ये स्पाइडरमैन का फैन था, अपना नहीं था, हम लोग तो फ्रैंकलिन है। अब फटाफट से जाके सूट को चेंज करते हैं क्योंकि हमारे पास $50,000 तो हो ही चुके हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है, खोलते हैं मार्केट और ये बाय। ये सूट थोड़ा सा अलग है, ऐसा लग रहा है मैं कोई एजेंट बन गया हूँ। चलो जो भी है गाइस, हम लोग अपनी राह से भटक रहे हैं, हमें जाना है रैम के लिए। इससे पहले कि मेरे सिक्स सेंस वापस से मुझे कुछ बोले, मुझे चुपचाप सुमड़ी में निकल लेना चाहिए क्योंकि मदद का सवाल आएगा तो हमें करने जाना ही पड़ेगा। चलो यार गाइस इस बार कोई नहीं आया और हम लोग पहुंच चुके यहाँ पर। भीड़ भी है, दो गाड़ियां रखी है, मुझे लगता है यही ऑर्गेनाइजर है, इससे पूछता हूँ। अरे भैया यहाँ के रूल्स वगैरह समझा दो क्योंकि मैं अभी आया हूँ ना। तुम बहुत सही समय पर आए हो, रेस बस शुरू होने ही वाली है, अगर जीत गए तो $1,00,000 मिलेगा। ओके गाइस यार जल्दी जल्दी चलते हैं। अबे कम से कम शर्ट तो पहन के आ जाता नंगे। अबे अपना काम करना। तुझे तो दिखाता हूँ मैं अपना काम करके। तो गाइस ये बस शुरू होने वाला है, 3, 2 और 1। ओह ये इस बाजू से जाएगा तो मैं इस बाजू से जाऊंगा। अबे तेरी तो मैं। गाइस यार एकदम बराबर चलने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ पर अटक गया क्योंकि पतला रास्ता था। हो भाई साहब क्या जंप है यार। नहीं नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं, क्या बच्चे यार मेरी फट गई थी गाइस। चलो 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 अभी भी बहुत ज्यादा नजदीक है ये हमारे। ओह बाजू में आ गया यार, पर हमसे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि शायद ये जानता नहीं है कि डूड फैमिली में सारे रैंप में प्रो है। अब यहाँ से मारेंगे जंप और ये मैं बीच से निकलते हुए पहुंच गया। अरे बेटा कहाँ रह गया, जल्दी से आ। मैं नहीं चाहता कि तू इतनी बुरी तरीके से हारे। अबे नहीं 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 मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, आगे नहीं निकलना, आगे नहीं निकलना। अरे यार गाइस हमारा बोला हुआ हम पर ही भारी पड़ गया, इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए था। इसलिए गाइस ज्यादा होशियारी भी नहीं मारनी चाहिए क्योंकि उसका नतीजा आप देख ही रहे हो, वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। अब मैं बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रैंप में थोड़ा भी बहुत होता है क्योंकि आगे ऐसे पतले रास्ते आ जाते हैं जहाँ से हम आगे निकल ही नहीं सकते और सामने वाला उसका फायदा उठा लेता है, जैसे कि फिलहाल ये उठा रहा है और इसे मौका दिया हमने। काश के बातों से ज्यादा रास्ते पर ध्यान दिया होता, वो तो आगे निकलने ही नहीं दे रहा है। तेरी तो मैं। गाइस आगे निकल गए, आगे निकल गए, क्या टाइम पर निकले यार। अबे यार ये क्या, जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, हमें बाइक छोड़ के गाड़ी लेनी पड़ेगी। इससे पहले कि ये जाए मैं ही जाता हूँ फटाफट, ये ब्लू वाली लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ऐसे काम की तो सारी है, सब सेम ही है पर मुझे ये कलर पसंद आया। अबे टक्कर मार के गया चीटर। गाइस ये बहुत गलत है यार, ऐसा करेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अब बताता हूँ इसको, देखता हूँ कैसे आगे निकलता है, मेरा दिमाग का दही कर दिया इसने। आजा बेटा तेरा इधर ही इंतजार कर रहा हूँ। अबे नहीं 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 गाइस, इससे होशियारी मारने के चक्कर में मैं उल्टा हो गया था, पर इस बार बच गए पीछे होने से। चलो चलो मुझे लगता है आधे से ज्यादा रैंप तो हो चुका होगा क्योंकि हमने सेकंड टाइम व्हीकल भी चेंज कर लिया है। अब यहाँ से जाना है मुझे शायद सीधा सीधा।
मुझे वो पीछे अभी भी दिखाई दे रहा है, पर अफसोस की बात ऐसा हो नहीं पाएगा। और ये जब मारते हुए आगे गाइस डिस्को लाइट वाला टनल है। अब मैं नाचू के आगे बढ़ू मुझे समझ नहीं आ रहा है, नाच किसी और दिन लेंगे, फिलहाल ये जरूरी है। अब यहाँ से चलो फाइनली बाहर निकले। अबे यार बच गया बार बार, वरना नीचे जाता सीधा स्पीड में। ओहो क्या जंप मारी है यार मैंने, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। ओ नहीं 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 नहीं, जल्दी सीधी हो मेरी गाड़ी, जल्दी सीधी हो। वो पूरी फिरात में बैठा है कि हमसे आगे निकल जाए, पर अफसोस ये मौका भी गया। नहीं 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 नहीं, चलो उसकी भी गाड़ी टकराई। हाश यार आज तो बार बार दिल मुंह में आ रहा है। ओ एकदम बाजू में आ गया गाइस, यार अब मैं उसे बिल्कुल भी आगे निकलने नहीं दे सकता। ओ नहीं नहीं नहीं, क्या बचे क्या बचे, यहाँ से सीधा प्लेटफॉर्म पर जंप मारते हैं और ये मैं पहुंचने वाला हूँ। क्या बात है यार, थोड़े से के लिए ही पर हम लोग जीत गए। और वो गाइस नीचे चला गया बेचारा, पर छोड़ो हमारे पास $1,00,000 है, अब देखना तो पड़ेगा ना कि इसमें क्या आया है। तो गाइस जल्दी से मार्केट खोलते हैं और देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट है। वाह यार मैंने सूट सूट कर दा। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट निकलते हैं, हमें और भी पैसे कमाने हैं क्योंकि हमें ताकतवर बनना है इससे पहले कि स्पाइडरमैन के दुश्मन आ जाए। एक मिनट यार किसका फोन आ रहा है, टोनी? फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, वेनम ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है पर बहुत गुस्से में गया है यहाँ से। और तुमने उसे जाने दिया? जब तक मैं पहुँचा वो यहाँ से निकल चुका था, मैंने CCTV कैमरे में देखा है। ओके ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। गाइस हम लोग उसे अपने सिक्स सेंस से ढूंढने की ट्राई करेंगे। देखो मुझे महसूस हो रहा है कि वो यही कहीं पर आया था, हमें बीच के और पास जाना होगा। एक मिनट वो रही गाड़ी, मैंने वैनम को देख लिया है और टोनी की गाड़ी को भी। देखो ऐसे तो सीधा सामने जा नहीं सकते, ये हमारे वजह से पकड़ा गया था तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। यहाँ पर छुप के देखता हूँ कि ये क्या करता है। अभी तो हॉट डॉग खा रहा है आराम से, खा ले बेटा खा ले। यम्मी बहुत भूख लगी थी, जितना खाना है खा ले पर तेरा पेट तो मैं ही भरूंगा। अबे यार जल्दी से करना। चलो गाइस इसका तो हो गया, ये तो गाड़ी में बैठ के निकल रहा है यहाँ से। अबे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तो गाड़ी लेके जा रहा है, हमें वो गाड़ी टोनी को वापस करनी है। अबे यार अब इसका पीछा करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर जा रहा है, मैं ऐसे इसे हाथ से निकलने नहीं दे सकता। अबे नहीं नहीं फ्रैंकलिन जल्दी कर, उसने टर्न मार लिया, तू क्या कर रहा है। ओ चलो चलो अभी तक गाड़ी विजिबल है, मतलब कि हमें दिख ही रही है, ज्यादा नजदीक भी नहीं जा सकता पर पास तो रहना होगा क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड भगा रहा है, इतना रफ तो मैं भी नहीं चलाता यार। ओह क्या ठोक के निकला है, टोनी के गाड़ी की तो वाट लग रही है गाइस। वैसे आपको क्या लगता है ये कहां पर जा रहा होगा, ट्रक की ट्रक उड़ा रहा है, इतनी मजबूत गाड़ी है क्या? हां वैसे हो भी सकती है टोनी की है, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हो। एक मिनट यार ये रास्ता तो बहुत देखा हुआ लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ वही कर रहा है ये। गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है क्योंकि ये जा रहा है सीधा साइमन के पास, अगर इसने गाड़ी बेच दी तो हम लोग वापस नहीं ले पाएंगे, हमें खरीदनी पड़ेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। डील होने से पहले मुझे ये गाड़ी उड़ानी होगी यहाँ से। एक मिनट गाइस वो दोनों अभी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे पास यही मौका है गाड़ी को ले जाने का, उन दोनों का ही ध्यान नहीं है। वेनम पक्का मुंह फाड़ रहा होगा ज्यादा पैसे के लिए, हमें इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा और ये चांस मैं लेना चाहता हूँ। हमें साइमन से ये गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। आराम से दबे पैर जाना है, आवाज नहीं आनी चाहिए। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, चुपचाप से गाड़ी स्टार्ट हो जा। चालू हो गई गाइस, क्या बात है हम लोगों ने गाड़ी चुरा ली। हाँ वैसे चुराई नहीं है, चोरी हुई गाड़ी को चुराई मालिक के लिए। रुक जाओ स्पाइडरमैन। अबे यार ये कैसी आवाज थी। ओ गाइस वेनम आ रहा है, उसे पता चल गया कि मैंने गाड़ी ली है। अबे यार इसी टाइम थूकना था, गलत टाइम पे गलत चीजें क्यों होती है यार मेरे साथ। वो नजदीक पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और फिर मैं टकराया, ये देखो क्या हुआ। क्यों मैं गलत चीजें करता हूँ यार। ओ क्या गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक दिया इसने तो, और बहुत मजबूत घसीटा है। गाइस यार ये ऐसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं, इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अबे रुकना, खड़ा होने देगा कि नहीं देगा? घंटा दिख रहा हो क्या, कब से बजा रहा है? ओ ओ ओ ओ आउच आउच, ओ भाई साहब क्या रगड़ रहा है। अब बताता इसको मैं, बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, रुको 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 गाइस, थोड़ा टाइम प्लीज, अभी बताता हूँ मैं इसको, अब पक्का बताऊंगा। ये ले और ये खा। तेरी तो मैं सुबह के लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि सुबह वाला मैंने इंटेंशन के साथ नहीं किया था, मुझे नहीं पता था पुलिस आ जाएगी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम आज बचोगे नहीं। अबे बचेगा तो तू नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ भाई, चिपका दिया जमीन पे। अबे यार फिर खड़ा हो गया, बड़ा ही ढीठ पहना मैं। ये ले लात खा, कैसा लगा? मेरे साथ मजाक। अच्छा ठीक है मजाक कर ले, ट्रक उठाने की क्या जरूरत थी। ओ भाई साहब क्या लात फेली है, मेरा पारा सच्ची में चढ़ गया। चिपके रहे यहाँ पर, ये ले और ये खा। तेरी तो मैं कब से मार रहा, कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है मार रहा तो भले मार रहा। ओ चलो बार बार उसके चंगुल से निकले। अब बताते खुले में, वहाँ पर थोड़ा फंस गया था मैं। इसको तो पूरा जकड़ ही लूंगा। उठना क्या हुआ,
नहीं उठ पा रहा, मदद करूं? सॉरी यार, आज मन नहीं है, किसी और दिन मदद करता तेरी। चलो यार गाइस अब निकलते यहाँ से, बहुत मजाक मस्ती हो गई और लड़ाई चढ़ाई भी। उनकी गाड़ी कहाँ पर गई? ये रही गाड़ी उसकी। भाई साहब गाड़ी की तो वाट लगा के रखी है इसने, पर इसको कुछ हुआ नहीं यार, बहुत ही मजबूत है। एक काम करता हूँ, यही से बैठ जाता हूँ क्योंकि नीचे से तो घुस नहीं पाता मैं। अब पीछे लेते हैं गाइस, गाड़ी अब हमारे पास है, अब जाके देना इसे टोनी को, फिर हमारा काम हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे टोनी ने अभी तक कॉल नहीं किया, वैसे तो वो एक दो कॉल कर ही देता है कि काम हुआ या नहीं। अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सब कुछ ठीक तो होगा ना, कॉल करके देखता हूँ। गाइस यार कॉल भी नहीं उठा रहा है, ऐसा भी क्या हो गया, मुझसे भी नाराज है क्या? अरे पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था यार। एक काम करता हूँ, घर पर जाकर ही देखता हूँ, वहाँ पर जाके पता चल जाएगा। गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं। ओह चलो भाई यार, यहाँ तक गाड़ी पहुँची तो सही, अब फटाफट से अंदर चलते हैं गाइस। ओह ये क्या हो रहा है, ये किसने किया होगा, इन सबको तो बांध के रखा है टोनी, ये किसने किया? सबसे पहले तो इनको खोलना पड़ेगा, जाके खोलता हूँ। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया, किसकी हिम्मत हुई और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए? अरे हमें तो पता भी नहीं था कि वो आएगा। अरे पर कौन आया था? डॉक्टर ऑक्टोपस अचानक से आ गया और उसने हम सबको बांध दिया है, तुम्हें उसे जाके हराना होगा, ढूंढना होगा वो कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, और हाँ मैं तुम्हारी गाड़ी ले आया, वो बाहर पार्क है। तुमने मेरा काम किया है, मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ, ये लो पूरे $5,00,000। अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी। अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं अभी दे दिया तो वापस काई को लेने का। और हाँ तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जाके बताता हूँ उसको, डॉक्टर ऑक्टोपस मैं आ रहा हूँ। हाँ चलो गाइस अभी तो पैसे वापस ले लेता ये, सबसे पहले जाके अपना सूट चेंज करता हूँ, देखते है की $5,00,000 में कौन सा सूट है। ये खोला मैंने मार्केट, ये रहा $5,00,000 वाला सूट, और बाय। ये तो पूरे मेटल का सूट है यार, और बहुत ही अलग सा है, देखते हैं कि इसमें कौन सी पावर्स है। सबसे पहले तो यहाँ से भागता हूँ। ओ हम लोग उड़ सकते हैं, ये सूट उड़ सकता है, मान गए यार, अब अपने मिशन को अंजाम देते हैं गाइस। जल्दी जल्दी चलते हैं उड़ के। डॉक्टर ऑक्टोपस अब तेरी खैर नहीं, मैं आ रहा हूँ। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे डॉक्टर ऑक्टोपस की लोकेशन आ चुकी है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। क्या बात कर रहा है यार टोनी, मुझे बस यही चाहिए था, वरना गाइस मुझे तो लगा था आज घूमते ही रहूंगा। ओहो भाई साहब, गाइस उसने जो लोकेशन भेजी है ना वो तो ह्यूमन लैब की है, वो पक्का यहाँ पर कोई तो बड़ी गड़बड़ करने वाला है। और जरा देखो तो सही, यहाँ की तो हालत कितनी खराब लग रही है, ये सब क्या करके रखा है उसने। जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं, अब तो मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी है। अबे कहाँ पर है बे तू? डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ जा सकता है यार, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ पर इतना खून पड़ा हुआ है, अंदर हाथी भी है गाइस, बस वो ऑक्टोपस ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है स्पाइडरमैन, जरा यहाँ पर देखो गाइस। यार वो रहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे और तुम मेरे जासे में फंस गए, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है और मैं कौन से जासे में आया हूँ? तैयार हो जाओ मेरी फौज, इसे भून के रख दो। ओ ओ ओ, ओ गाइस, अबे यार यहाँ पर तो ड्रोन आ गए और मुझे लग रहा है इनका निशाना मैं ही हूँ। अबे भाग 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 फ्रैंकलिन, वरना तेरे और सूट दोनों का कचरा एक ही साथ हो जाएगा। गाइस मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये ड्रोन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, धड़ाधड़ मारते ही रहते हैं। मुझे लग रहा है कि भागने से कोई मतलब नहीं है, हमें इन्हें निपटाना ही पड़ेगा। गाइस यार एक एक करके निपटाते हैं। ओ भाई साहब, या एक दो नहीं बहुत सारे, पर शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी क्योंकि या तो ये अपने को मारेंगे या हम इनको। अबे यार इस चीज का तो ज्यादा असर ही नहीं हो रहा है, एक काम करते हाथ से मार के देखते। ये ले और ये का क्या गया है बॉल की तरह। अब गाइस बाकियों की बारी, ये नजदीक है इसको लेते हैं। तेरी तो मैं, अबे यार इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, अब इससे जरूर होगा। और ये गया एक ही बार में गाइस ब्लास्ट, क्या मजा आ रहा है मुझे, ये सूट कमाल का है। अब थोड़ी बहुत मिसाइल भी छोड़ी जाए, आओ आओ और कितने बच्चे मैं भी देखूं। गाइस मुझे लगता है ये आखिरी वाला है। अबे यार इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो विंडमिल से भी टकरा गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब देखता हूँ कैसे बचता है। और ये गया। चलो गाइस फाइनली ड्रोन से तो निपट लिए, अब बारी ऑक्टोपस की, आज तो उसके सारे हाथ निकाल के तोड़ दूंगा। अबे आजा, कहाँ छुप के बैठा है? डॉक्टर, खाली नाम का डॉक्टर है गाइस। ओह ये रहा, आंदो आंदो आंदो। क्या हुआ? अबे यार ये चलते हुए भी कितना फनी लग रहा है। अबे नहीं नहीं रुक रुक रुक, खाली मजाक था रे, इतना दिल पे मत ले। तुम्हें लगता है तुम बहुत फनी हो ना, आज तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा और तुम्हारा मजाक बन के रह जाएगा। तो ज्यादा भारी डायलॉग नहीं मार रहा तू। गाइस इससे पहले ये अपना मजाक बनाए, मैं इसका भरता बना देता हूँ। ये ले और ये खा। अरे 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 यार फिर से चूक गया, कहा गया ये रहा। ओ, 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 अबे फूक मारिया, मुंह से तूफान छोड़ा है। ये ले और ये गया सिक्सर गाइस, अब यही से फोर भी मार लेते हैं। इतना दूर गया और ये लगी मेरी मिसाइल। अबे यार फटी नहीं, फुसकी निकली। अबे यार फिर से ऊपर आ गया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, टाइम प्लीज। अभी बताता हूँ उसको। अब मेरी ब्लेड खा बेटे।
गाइस यार अब नहीं बचने वाला। गया क्या? बहुत जोर से गिरा ये यहाँ पर, देखते हिलता है या नहीं। ये ले, अब तो कंफर्म गाइस ये गया। जल्दी से जाके देखते हैं क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। गाइस गया गया गया, पर बेचारा अंदर ही धस गया यार। चलो गाइस फाइनली अपना काम हो गया, जल्दी से ये सूट उतारते, बहुत गर्मी लग रही है यार अंदर।